नासिर हुसैन बहुत बड़े कप्तान, दुनिया के बहुत बड़े बल्लेबाज, इतने बड़े कि जब ये मैदान में आते थे तो सारा क्राउड चला जाता था कि कहीं हमें बॉल ना मार दे, इतने छक्के मारता है। और ये वो आदमी है कि बीच में कुछ बेवकूफ बाबर और कोहली की डिबेट करते थे, तो ये नासिर हुसैन खामखाई उसमें अपनी एक कढ़ाई में पकौड़ा डाल के ले आता था। ईएन बेल का कवर ड्राइव बड़ा सुंदर है। अच्छा, ये वाले कीड़े सिर्फ नासिर हुसैन में नहीं है, इनकी पूरी टीम के माइकल वॉन, वो इनका एक खूबरू लड़का जिसके बारे में कहा जाता है कि ड्यूक का बॉल बना ही उसके लिए, जिसका नाम जेम्स एंडरसन है। 4 अक्टूबर का मुझे अभी ट्वीट अपना याद आया जो मैं देख रहा था, जिसमें इसने कहा था कि इंग्लैंड विल डिफीट इंडिया इन द फाइनल वर्ल्ड कप के। अबे तेरी माँ की आंख साले, तेरे को अफगानिस्तान बीच में नजर नहीं आया, तुझे इंडिया फाइनल में अपने साथ नजर आ गया। ये वही है बेगैरत, इसी टाइप का वो जो एक और निकल कर आया था मिच मार्च की शक्ल में, जो पाकिस्तान के नाम पे रख के अपनी टीम को फाइनल में ले गया था, जिस तरह से जेम्स एंडरसन ने अपने इंडिया को देखकर अपनी टीम को फाइनल में देख लिया। अबे तुम पहले इनसे तो निमट लो, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, पहले इनसे तो जीत लो। इंडिया तो बहुत दूर की फ्लाइट है, इतनी दूर तो जहाज भी नहीं जाता जहां इंडिया की टीम लेके चल रहा है। क्या बोला था मैंने जब मैच शुरू हुआ था कि 300 रन पर अगर ड्यू नहीं पड़ा तो अफगानिस्तान जीतेगा, और फिर क्या बोला था मिड ब्रेक में कि ये 3 विकेट सिर्फ लेके दे दो मुझे 60 रन पे, उसके बाद ये जीत जाए। नहीं, वो उन लोगों को पकड़ के लाओ। मुझे पता है जॉर्ज बटलर भी कितने पानी में, मुझे मालूम है डेंजरस प्लेयर है। इनकी बॉलिंग तो इंडिया में जब ये चले भी नहीं थे तो मैंने कहा था इंडिया में इनकी बॉलिंग बेकार है, इनके पास कोई वनडे का एक्सपीरियंस नहीं है, और जब ये यहाँ पहुंचे तो मैंने कहा इनका सिर्फ एक ही बल्लेबाज दिख रहा है जो रूट, ये सब वन डायमेंशनल प्लेयर है, ये मारते बेगैरत के बच्चे। तू इंडिया की हार की प्रेडिक्शन कर रहा है, तू पाकिस्तान को नेदरलैंड से हरवा रहा है, तू ये नहीं बता रहा कि तेरी टीम को रचिन रविंद्रा 40 ओवर के अंदर बजा देगा, तेरी टीम को एक लिटा दिया अगवानियों ने। तेरे हाथ में इंडियन बच्चे तो आते नहीं है क्योंकि उनके पास सुपर हीरोज हैं क्रिकेट के अंदर, तुझे मिल गए पाकिस्तानी बच्चे बेवकूफ बनाने के लिए, तूने लोगों को लगा दिया ये देखो ये वाली ड्राइव, क्योंकि तुझे पता था लोग ड्राइव पे लगे रहेंगे, इनको मैच के रिजल्ट पे लाओ नहीं कि मैच का रिजल्ट क्या होता है। फिर ये आया अपने बेसबॉल लेकर, और ये बताओ ना इनको, इसने पाकिस्तान के बच्चों को ड्राइव पे लगा बोला था, किसी एक्सपर्ट ने बोला था तुम्हें मिड ब्रेक में, मुझे बताओ मैं अप्रिशिएट करूंगा, नाम लेके किसी ने बोला तुम्हें मिड ब्रेक में कि ये मैच अफगानिस्तान जीतेगा? और मैंने जो बात करी थी वो 40 ओवर से एसोसिएट करी थी, इतनी बड़ी बैटिंग है इंग्लैंड की 40 ओवर में करके दिखा दिया। हमारी बात तो हमारी हो गई ना, उसको छोड़े, बात ये है कि वो और किसने की कि अफगानिस्तान ये मैच कॉम्प्रिहेंसिवली जीतेगा? नहीं नहीं, ये तो असल में ये वाले नाम नेहाद जो एनालिस्ट आए हैं ना कमेंटेटर्स की शक्ल में, ये पजामे पहन कर आए हैं वो वाले जो सेमीफाइनल और फाइनल के, इनको पता ही नहीं है उससे पहले कितने रोड़े अटके हुए राहों के अंदर। अप्रिशिएट करो जिसने बोला उसको अप्रिशिएट करो, चाहे कोई भी हो। और यकीन जानिए इस रूहानी गेम पढ़ते हैं इधर, गेम इधर तफरिया नहीं लगाते। इस रूहानी मामू के झूठ से मेरे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 20 को क्या होगा। भाई ये बता दीजिए आप, मतलब यार तुमने पिछले 2 सालों में जिस तरह से, मैं आपको क्या कहता था, पाकिस्तान की क्रिकेट का प्लान लंदन प्लान होता है। लंदन के इनके लड़के इंजर्ड पाकिस्तान में होते हैं, ठोक ठाक के सीधे हो जाते हैं इंग्लैंड में जाके। अबे डोमेस्टिक को ये वो कल्परिट्स है, याद रखिएगा, जिनको पाकिस्तान के बच्चों को इतना बड़ा बड़ा एनालिस्ट बनाकर माइकल वॉन, रूहानी मामू, नासिर हुसैन ने, ये वो बेगैरत, इनका सुबह से रात तक ब्रेकिंग न्यूज़ पर दंगा है कि क्रिकेट बर्बाद करी है ये साले बंगला, ये अफगानिस्तान से जीतने की इनकी ना टांगे है ना हाथ है बेगैरतों के, और ये सेमीफाइनल के ख्वाब लेकर उतरे थे वर्ल्ड कप में। भेजो ये उन बेशर्मों को सारे क्लिप काट काट के, मेरे बच्चे परेशान है यार कल से इंडिया हार, मेरे मतलब मेरे पाकिस्तान के बच्चे, अब मैं उनको यही समझा रहा हूँ कि एक हार कुछ नहीं होती यार, हमको अगर पहले से सुनते हुए आ रहे हो, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इंडिया से अपने मामलात जब चाहेंगे किसी और फोरम पे सेटल कर लेंगे क्रिकेट में। यार तू कौन है भाई, किसी की कड़ाई में कैसे जीतोगे भाई? मैच हुआ कल,
हारे जीते मिकी आर्थर ने की बेवकूफियां, कुछ लोग अब उनके पास काम नहीं है, ब्रॉडकास्टर ने बुलाया नहीं है, जो पहले बैठ के कहते थे कि मैं तो धंधा इंडिया में लगा हुआ है। इसीलिए बीसीसीआई इन सालों को मुंह नहीं लगाता 2% के कमेंटेटर्स को, क्योंकि ये बेकार रहते हैं, एजेंडा ड्रिवन बातें करते हैं। ये बैठ कर अगर कोई, मुझे नहीं पता है किसने कहा है, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मुझे कोई बच्चा बता रहा था कि किसी पाकिस्तान के क्रिकेट फॉर्मर लेजेंड ने ये बात की है कि बाबर को विराट कोहली से टी शर्ट नहीं लेनी चाहिए थी। भाई क्यों नहीं लेनी चाहिए यार, पूरी जिंदगी तो आप लोग सब इंडिया की क्रिकेट टीम में जाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जहीर खान को सिखा दूं तो शोएब अख्तर बताते हैं कि मैं उसको सिखा दूं, मैं ईशान शर्मा को अच्छा बॉलर, अब्दुल रजाक कहते थे पांड्या जो है वो मुझे दे दो, हार्दिक पांड्या को मैं सिखाऊंगा। अब हार्दिक पांड्या को आप सिखाते तो हार्दिक पांड्या अब तक कुछ भी नहीं सीखता। मैं आपको यही नहीं चीखी क्यों रहा, आराम से भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ। कुत्तों पे इसलिए रहा हूँ कि ये पूरी कौम को बेवकूफ बना दे रहा है। अबे ये इंग्लिश में पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं सही चल सकती, इन बेगैरतों के कमेंट्स इतने गोल्डन हुरूफ में लिख लिख के। तो खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ टीम के साथ, हार गए कोई बात नहीं, आओ आज मैं तुम एक्सपर्ट्स की वजह से वापिस खड़ा हूँ आज से अपनी टीम के साथ। पाकिस्तान विल बाउंस बैक, नहीं करना है बाउंस बैक। चलो आओ सिर्फ तुम्हारी खार में, हमें तू हमारे मुंह की बात बोल, ये है एक्सपर्ट बन रहा है जो हम रोहानी बाबू साला सवाल भेजो इसको झटके का एनालिस्ट, पाकिस्तान के बच्चों को बाबर पे लगा के चला गया बेगैरत का बच्चा, ऐसी की तैसी कर गया पाकिस्तान की, इसको बुलाते साले फाइव स्टार स्टार, इसके टकले पे इतने निशान होने चाहिए, इतने निशान होने चाहिए, इंडिया से निकल कर ये जाके दोबारा क्रिकेट से माफी मांगे। और सुन लो भाई, मैं इत्मीनान से समझाता हूँ, मैं क्रिकेट पर बता रहा हूँ, जहां से भी बच्चे बच्चियां हैं, ये जितने वो लोग आजकल एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, कोई भी कहीं भी दे रहा हो हमें तो नहीं पता, ठीक है, इनसे जाकर एक सवाल कर लो कि आप सब किसी ना किसी हैसियत से उस वक्त मौजूद थे जब पाकिस्तान की टीम में साजिश करके सरफराज अहमद को कप्तानी से हटवाया गया था। ओ भाई, अभी फिर वहाब रियाज का इंटरव्यू किया एक लड़के ने, अपनी पॉडकास्ट करता है वो लड़का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ लोग तजिया करते हैं, वो पॉडकास्ट करता है, लोगों के सवालात लेता है, वो सिर्फ बेहतरीन पर्सन है, यही कह रहा हूँ ना, इज्जत इन 2% के एनालिस्टों को थी जो सरफराज को मिलनी चाहिए थी, ये साले आज भी क्रिकेट में डिवाइड एंड रूल लेके चलते हैं। अबे इन्होंने के लिए कुछ नहीं किया, बेवा निकल कर आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। जैसे ही अपने जैसे ही बेंगलुरु के होटल में पहुंचो, तुम सब टीम के मेरे लड़कों, खड़ा हूं तुम्हारे साथ में आज से वापस, कोई बात नहीं, हार गए, इंडिया वर्ल्ड कप फेवरेट्स है, आप भी कम नहीं हो, हार गए भाई 1,20,000 में, चलो रगड़ दिया हमने भी रगड़ दिया, खड़ा हूं वापस तुम्हारे साथ, आओ अब ट्रोल करो तुम इन लड़कों को, मुझे पता था ये कहां से निकलेंगे, लेकिन ये याद रखना, आप अगर तुमने ट्रोल किया, अरे विराट कोहली की टी शर्ट लेने पर कौन सा अजाब हो गया है भाई, विराट कोहली आइकन है, अभी तुम लोगों को मिलता है, तुम झुक के मिलते हो उससे यार, इतना अगर तुम 2000 किसी के हैं इतने रन पाकिस्तान में। बाबर ने एक तो ये इस बात को टी शर्ट लेने के बाद प्रूफ किया कि अब वो जो जुमला विराट कोहली से सुन, नहीं बाहर काम ना लगे तो मैं पाकिस्तान में फ्रेंचाइज की भी कोचिंग कर लूंगा। अबे नेपाल के कमेंटेटर एनालिस्ट बुला लो, इन 2% के रोहानी मामू और ये बेवा की शक्ल में इंग्लैंड से जितने लोग आते हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को दीमक लगा के जाते हैं। सही है, अब आराम से, हाँ यार वो जो आप नाम लिख रहे हो दानियाल, हाँ भाई हमारे पास जिगर है, ना कोई किसी का काम खा सकता है, सुन लो, ये जो जलन हसद के लोग हैं वो भाई सब अपनी मर्जी से, हाँ मैं नाम लेता हूँ, यही नाम है उसका जो तुम लिख रहे हो बेटा दानियाल जिसने, हाँ अगर यही नाम है क्या किसका, नहीं सपोर्ट दैट दीज गाइस, वो बेसिकली ना बड़ा बनता है, मैंने थोड़ा सा सुना है उसको एक दो क्रिकेटर्स का इंटरव्यू करते हुए, जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन यार मुझे अच्छा ये लगा कि वो एंकर बन के लोगों के इंटरव्यू ले रहा है तो बड़े प्रिसाइज क्वेश्चन थ्रो कर रहा है, कौन अच्छा था सरफराज कप्तान, वहाब रियाज ने कहा सरफराज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन, वो कह रहा है वो, और असल बात बताऊं वहाब ने क्या की,
बात समझो मेरी और इफी भाई की, छोड़ दो वहाब रियाज लाहौर से, सरफराज अहमद कराची से, बहुत क्रिकेट में राइवलरी होती होगी, इनकी भी होती होगी, कराची लाहौर की क्रिकेट खेले होंगे तकरीबन, होती है यार। वहाब रियाज और सरफराज की उम्रों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत यानी डिफरेंस नहीं है। वहाब सेट के सरफराज पीछे से वार नहीं करता था, उसे जिससे जो शिकायत हो मुंह पे कह देता था, पीछे सबको जोड़ता था यार, व्हाट अ पर्सन वहाब भाई, आपका एहतराम डबल हो गया, डबल हो गया यार, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। सरफराज विराट कोहली वाले अल्फाज बोलता था, मैं बता दूं वो क्या थे, डांटता था यार, ग्राउंड की फटीके जितनी फटी ग्राउंड में वो ग्राउंड में पूरी करके जाओ, बाहर अपना ये वाला बैगेज लेके मत जाओ। सरफराज की जो अच्छाई थी वो ये थी कि उसने ग्राउंड में हर उस बच्चे को जिसके नाम रखे हुए थे डांटा है, दबाया है परफॉर्मेंस लेने के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने जो लंदन, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में जो चालबाजियां, जो सियासत आती है वो लंदन से निकल कर आती है, मैं आज फिर बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से बता रहा था, इससे पहले जहां मैं प्रोग्राम का प्रोड्यूसर था वहां पे भी यही कहता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किचन है वो लंदन में है, वहां पर बैठ के साजिशें होती है, इसीलिए इनका हर खिलाड़ी फिट होकर लंदन से आता है और डायरेक्ट टीम में चला जाता है। अबे ये डोमेस्टिक को तुम इज्जत नहीं देते, बंद करो, आग लगाओ पाकिस्तान के डोमेस्टिक। बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वो लानत है, क्रिकेट की लानत है, जिसको बीसीसीआई ने अपनी क्रिकेट में जगह नहीं दी, पाकिस्तान ने इनको गोद में बिठाया, सर पे बिठाया और इनकी बड़े बड़े अल्फाज दिखाकर ये बताने की कोशिश करी ये ग्रेट है। अबे ये घंटे के ग्रेट है, एक बेवा है इंग्लैंड की और एक इंग्लैंड के रूहानी मामू है जो पाकिस्तान के भी रूहानी मामू बने हुए थे। लानत देता हूँ ऐसे अप्रोच में। माइकल वॉन और नासिर हुसैन को किसी ब्रांडेड कंपनी के टिश्यू पेपर दिए जाए, मेरी दरखास्त है तमाम क्रिकेट शायकीन से, मतदाताओं से, जो क्रिकेट के खेल से प्यार करते हो, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन लोगों को आप पेपर दें। और आज की परफॉर्मेंस पे आप दोस्त कह रहे हैं, बिल्कुल बात करेंगे, प्रेडिक्शन अलग है, परफॉर्मेंस जो हुई है, मोहम्मद नबी, मैंने आपको कहा था यार बैटिंग से आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आज आपकी विकेट है, आप बॉलिंग से परफॉर्म करो, ही गॉट रिड ऑफ बोथ लेफ्ट हैंडर्स सैम करन एंड दैट डेविड मलान हु वॉज लुकिंग वेरी गुड। अच्छा मैं, दो ही प्लेयर है इंग्लैंड के पास जो रूट की ब्रिलियंस तो सबको पता है, दूसरा प्लेयर डेविड मलान है जो विकेट पर एल्फी बन के खड़ा होता है लास्ट मैच का, उसका 141 भी आपको पता है, जी हाँ समथ बॉन्ड है वो भी समथ बॉन्ड कहलाता है। हालांकि एक बात बताऊँ, हसन अली उसे बड़े आराम से आउट कर देता था डेविड मलान को, आज भी आउट कर देगा। तो ये मैं आपको बता दूँ, अवे गोइंग बॉल उसे आप शुरू में निकालो ना, जैसे मैट हेनरी ने निकाली थी, वो बॉल उसकी मौत है। अब अफगानिस्तान में फजलुल्लाह फारूकी की 2-3 गेंदों पर वो बचा, LBW की क्लोज शॉट हुई, एक बार स्विंग हुई तो वो निकल गया, अगर वही बॉल ओवर द विकेट सिराज वगैरह कर रहे होते, ये एज लगा के कैच देके चला जाता, बस इतना सा खेल है उसका, ज्यादा खेल नहीं है यार। वो अली खेल ने कमाल किया, अली खेल, लेकिन अब बता रहे हो गुरबस तो सबको पता है कि वो क्या आइटम है। अली खेल जिस वक्त वो मैदान में चलना शुरू हुआ, मैंने ट्वीट की इसका नाम लिख के पूरा, इकराम अली खेल, और मैंने और कुछ नहीं लिखा, क्योंकि फिर बताया गया मैं ट्वीट पे लिख देता हूँ, लोग ऐसे बता देते हैं, आप लोग समझते हो इन्हें तो पता था अली खेल, इसलिए मैंने मिड ब्रेक में आपको आखिर में बताया कि जो बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी वो सुन लो, ये अफगानिस्तान का सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन है गुरबस के साथ। फिर मैच शुरू हो गया होगा, आपको ये भी समझ आ गया होगा कि वो विकेट कीपिंग कर रहा था, गुरबस रिलैक्स रहे और बैटिंग से हाई परफॉर्मेंस दे ऊपर की, वो 100 रन वाला खिलाड़ी है गुरबस, बस यानी एक्सीलेंट डिसीजन, ऑल दो मुजीब की नजीब की कुर्बानी दी जो मेरा फेवरेट है, बट इट्स ओके, गुर ने बेस बॉल की बेस बजा दी, मतलब साथ साथ उसने उन तमाम लोगों, बटलर यू है, बटलर वो है, इयान बेल की विराट कोहली से खूबसूरत ड्राइव है, अबे विराट कोहली के साथ बराबर में इयान बेल बैठ भी सकता है, मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रहा, मुझे बताओ बराबर वाली सीट पे अगर वो कभी विराट के बैठा और कोई 100-200 लोग हुए कि यार हमें बातें करनी है, कोई एक भी है जो इयान बेल से मुखातिब होगा, विराट बेल नहीं घंटे को साथ रखता है, बेल बेल छोड़ देता है। अच्छा बाहर बादशाह ने ये बात करी थी, ये मेरे अंदर भी चुभ रही थी यार, और मैं भले मजाक करूं यार, क्योंकि मैं नेदरलैंड से, तू क्यों आ रहा, हमारी टीम है हम कह दें कुछ, मैं सीधी सी बात, अब तेरी और ये जो लेजेंड बैठे हुए हैं ना, ये बार बार अच्छा नहीं लगता, अब इनके चक्कर में सपोर्ट करूंगा, अब आ रहा हूं मैं, देख लो यही लड़के अच्छा करके जाएंगे आगे, अभी रुक जाओ, हिसाब लगाने दो मुझे, 6 मैच में 4 जीतने पाकिस्तान में डायरेक्ट क्वालिफाई के लिए 4, और वैसे अगर रन रेट पे क्वालिफाई करना है तो 5 जीतने,
तो ठीक है, 3 मैच जीतने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये तो पाकिस्तान की टीम ने करना है, क्योंकि वर्ल्ड कप में बाबर आजम लेके उतरे, मगर जो एतमाद बाबर में, लाइक कीजिएगा वीडियो आज, बाबर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, लेकिन आपको पता है कि क्या बताया हुआ है मैंने टॉस के बाद, 5 ओवर के बाद पहली ट्वीट में इशारा दे दिया था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम, कल मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि यार कुछ भी हो जाए। कौन है इस जीत के पीछे, कौन है इस जीत के पीछे, कौन? अजय जडेजा। अजय जडेजा को हायर किया उन्होंने। अजय जडेजा नोज हाउ टू प्ले इन दिल्ली। अच्छा, इस रोहानी मामू का जो बाजा बजाया है वो जोनाथन रोड्रिग्स पे जाबिले बजाने में, इनका एक आदमी है नवीन, अच्छा बच्चा है, छोड़ दो। विराट ने उसे गले लगा लिया, बात खत्म, उसे समझा दिया। नवीन ने भी यार खा गया, नवीन ने सबसे बड़ी विकेट ली है मेरा ख्याल से। किसका किसका बजाया उसने? क्रिकेट का तुम लोग बताओ, क्रिकेट का दिल है विराट, समझ गए? आपने दिल जीतना है ना क्रिकेट में, तो विराट का दिल जीत ले आप। मैंने बोला था राशिद की 3 विकेटें आनी चाहिए, आई तो नीचे की है, इसीलिए लेकिन ब्रिलियंट टाइमिंग पे थी विकेटें। इसीलिए बाबर आजम ने कहा कि मैं जब फारिग आपकी टी शर्ट साइन हुई भी पहन के जो है ना गूस बम लिया करूंगा कि मैं विराट कोहली हूँ। हो सकता है, हो सकता है बाबर, विराट ने सिर्फ प्यार किया है तो नवीन बटलर खा गया। बताओ इस बाबर को तो शट दे दिया विराट ने, अब बाबर किस किस को खाएगा? बाबर बेंगलुरु के मैच से पहले टी शर्ट पहन के घूमता रहेगा होटल अंदर में, विराट हूँ भैया। तुम लोग जुगते बना रहे हो मेरे कप्तान बाबर आजम की, खड़ा हूँ मैं आज से उसके साथ, सपोर्ट है। मैंने ये एक बात बता दूं, इनसे अच्छा है यार वो, ठीक है अपने लिए खेलता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे यार, अफगानिस्तान जितना आता उतना वो खेल लेता है। अफगानिस्तान के पास ट्रम्प कार्ड अगर जडेजा आ गया है तो मैं बताऊंगा उसको टीम, वो सुनता है प्रोग्राम मुझे पता है, उसको लोग बुराई में, मैं बताऊंगा उसको बेंगलुरु की प्लेइंग 11 दो दिन पहले। मैं तुम्हें सीरियस कहता हूँ कि ये सुनते हैं, अबे ये बेंगलुरु के होटल में भी अभी इंतजार करते हैं यार, ये हमें पता है कि इंतजार करते हैं, झूठ बोलूं सुबह देखने नसीब ना हो, ये बगैर देखे प्रोग्राम पे ये अपनी टीम अनाउंस नहीं करते। अभी आपको पता चलेगा आराम आराम से, अंदाजा भी है इस चीज का, बेहतरीन बॉलिंग। अच्छा एक बात बता दूं, अफगानिस्तान की डिजास्ट्रस फील्डिंग थी आज, अगर फील्डिंग बेहतर होती तो ये 20 रन 40 रन और कम होते, ये 100 रन से हारते ही है, ये 100 रन से हारते, 69 समथिंग से हारे ना ये, इतने नहीं 100 रन से हारते। देखो सामने इंग्लैंड थी, छक्के मारने आते हैं, बड़े शॉट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इसलिए मैंने एक मार्जिन आपको ड्यू का वर्ड बोला, अबे कितने रन से मैं कायम हूं, लेकिन ऐसी बात भी कोई कर सकता है कि 284 पे कोई बोले तुक्का थोड़ी, मैं और मैचों में क्यों नहीं बोल रहा। दुम्बा बना के मारे रोहानी मामू को, दुम्बा बना के। मैंने बांग्लादेश का कहा था कि इंग्लैंड को धर्मशाला में खिला दिया बांग्लादेश से, अगर बांग्लादेश को भी चेन्नई में इंग्लैंड से खिलाते तो शायद मेरा शाकिब भी बजा देता इनको। ये भी मैं बता जी, ये आप समझ नहीं रहे कि वर्ल्ड कप कितना, अब बताओ जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था, हम बबूमा और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज क्या क्या बोला था, नंबर वन ऑस्ट्रेलिया हैव टू मैनी ऑलराउंडर्स, ये लबुशेंग को कम से कम ले लें, ये एक्सपोज होंगे 2 से 3 मैचों में, 2 में हो गए, 1 और आएगा, बाकी 3 मैचों में ये चले, 2-3 मैच ऐसे होंगे जिसमें ये उतना मारेंगे, वो किसके होंगे ये नहीं, 2-3 मैच इनकी मतलब की पिच मिलेगी इन्हें जहां ये मारेंगे, यानी इनके 2-3 लड़के ज्यादा रन करेंगे, बड़े तो ऑटोमेटिक 2-2.5 बड़ी इनिंग पे 300+ रन हो जाते हैं, ये भी होगा। उसके बाद ये होती है प्रेडिक्शन भाई क्रिकेट की, बाकी देख थोड़ी रहे। उसके बाद ये कहा था कि साउथ अफ्रीका के पास हर विकेट पे खेलने का बैलेंस सबसे अच्छा है आफ्टर इंडिया, क्यों? अगर उन्हें स्लो ट्रैक देते हो तो दे हैव शमसियन महाराज और कगिसो रबाडा है तो साउथ अफ्रीकन बाउंसी पिचेस वाला, बट रबाडा जब जब अटकती हुई पिचों पे बॉल करता है इंडिया की अच्छी करता है। उस दिन मिड ब्रेक में रबाडा का नाम लिया था, फिर तुम लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि रबाडा खा जाएगा आज ऑस्ट्रेलिया, खाला खाला बड़े खतरनाक बहुमा की खाला, बहुमा की खाला बड़े खतरनाक मूड में, और मैं 28 साल की उम्र में 400-500 विकेटों का लैंडमार्क पूरा कर चुका है वो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका ने अपने जो स्टेज मैचेस हैं उसमें दोनों मैचेस बड़े अहम थे, एक श्रीलंका वो आपको बताइएगा आउट क्लास परफॉर्मेंस, और साथ साथ उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया को मारा है
ये वो था मार्का जो उनके उनको मिला है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि साउथ अफ्रीका अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, भले वो आगे 7 मैचेस में जैसा भी करें परफॉर्म, सेमीफाइनल की सबसे। अबे चूरे कुछ इस मैच में भी बात करता है कि नहीं इस मैच में देखो यार कुछ क्रिकेट ही सीख ले। हमने अंदाजा तस्वीरें ना लगा अपने बहनोइयों की, क्रिकेट समाज क्रिकेट में भी यही कहा, जो प्लेयर नहीं पकड़ क्रिकेट पकड़, प्लेयर की लाइफ कम क्रिकेट की ज्यादा है। 284 रन बनने की असल वजह ये है, स्टार्ट में गुरबज की जो बल्लेबाजी है उसने बड़ा फर्क डाला। याद रखिएगा 10 ओवर जो है वो गेम का मिजाज बना देते हैं नीचे वालों के लिए, जहां पाकिस्तान लैग कर रहा है वहां अफगानिस्तान का भी सुना बाहर हो गया। दीगर टीम्स का टारगेट ये है कि 15 ओवर होने से पहले पहले जितना मार सकते हो मारो, कंक्लूड करो रन 100-110 ओवर वाला पावर प्ले बहुत है। पावर प्ले में कम से कम 70 प्लस रन जो टीम मारेगी वो 15 ओवर में 90 रन जरूरी है भाई पहुंचेगी, और उसके बाद इनिंग्स वो स्ट्राइकर। तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने जो सबसे बड़ा गेम बजाया वो शुरू के 15 ओवर है, 111 रन पे पहला विकेट, उसके बाद तो लाइन लगी है, मगर वो फाउंडेशन जो मिली वो 284 तक पहुंचा गई। अच्छी इंक्लूजन अली खेल की आज, थोड़ा सा प्रेशर गुरबस पे भी होगा, डेफिनेटली होता है जब एक बात और भी बता दूं, कभी कभी जब आप क्रिकेट की पेशनगोई करते हैं, देखो कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं होता जिसका कोई वीक एरिया नहीं होता। क्रिस वोक्स मुझे कितना पसंद है, चैनल की कोर फैमिली जानती है, बट मैंने उसके लिए भी क्या कहा था कि इंडिया उसे रास नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया है, और इंडिया उसकी जगह नहीं है बॉलिंग कराने की, इंडिया में उसकी माल लगेगी, क्योंकि उसे थोड़ा सा लाइवली विकेट चाहिए जिस पर थोड़ा बाउंस अच्छा हो, तेज बाउंस हो, तो देख लो इंडिया में उसकी मार भी लग रही है। देखो समझो क्रिकेट फेवरेट्स बनाने का नाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। हर मुल्क में क्रिकेट खेलने की अलग डायनेमिक्स है। इसी तरह मैं बोलता हूँ 11 लड़के कभी भी पूरा इवेंट खिलाओगे तो वो टीम बहुत रेयर जीतेगी। ओ भाई आप इंडिया में आए हो, कोई पिच फंसी हुई मिलेगी, कोई अच्छी बैटिंग विकेट मिलेगी, तो आपकी देखकर प्लेइंग 11 होनी चाहिए कि यार यहाँ हम दो स्पिनर। रोहित शर्मा ने कहाँ अश्विन को खिलाया और कहाँ शार्दुल को खिलाया, बात को समझना। चेन्नई में अश्विन था ना, चेन्नई में अश्विन था क्योंकि चेन्नई था। अहमदाबाद में अश्विन नाम पे होता तो क्या बुरा लगता, सही थी, स्लो विकेट थी, बहुत टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन वहां शार्दुल था, दे नोस। तो ये टीमें जो हैं जो इतनी अंडरस्टैंडिंग लगती हैं वो जीतेंगी। इसी तरह चलो फखर आउट ऑफ फॉर्म है, कर दिया बाहर। बाबर को और टीम मैनेजमेंट को हमारी ये समझना चाहिए था, फखर को अहमदाबाद में नहीं ड्रॉप करो, इसका गैम्बल वहीं पेड ऑफ हो सकता है। इसी तरह बेंगलुरु आ रहा है, बेंगलुरु फखर की जगह अगर हो गई तो आप लड़ाई कर लोगे ऑस्ट्रेलिया से। बाबर आप सुन लीजिए, एहतराम से छोटे भाइयों, कोई पर्सनल नहीं है मेरी तरफ से, कभी भी क्रिकेट की तनकीद पर बात है तुम्हें सब मालूम होगा। आप सुन लीजिए, फखर जमान को बेंगलुरु में खिलाएं, देखिए डजेंट मैटर आपका दोस्त इमाम जितने भी रन बनाए, मैं बंदा भी बता रहा हूँ, अब्दुल्ला को मार्जिन दें, नया है ना, उसकी रेंज भी बुरी नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हो। मसला ये आ रहा है कि इमाम शुरू में जो निकल के मारता था सरफराज की कप्तानी में, जो उसने आर्चर वार्चर को निकल के छक्के मारता था, वो सब छोड़ दिया, वो लग गया अपनी बैटिंग में। आपको पता है वो कल्चर क्या है कि अपने रन नहीं दिखे और रन भी नहीं हो रहे। 36 रन उसके बड़े ना बना देना, उसने सेट होकर विकेट दी तो पूरा प्रेशर तुम पर आया। ऑन द अदर हैंड फखर जमान का गैम्बल तुम्हें बेंगलुरु में, फर्ज करो फ्लैट विकेट हुई जहाँ 380 बचाना मुश्किल हो गया, तो मुझसे ज्यादा आप खुद जानते हो, आप ऑस्ट्रेलिया पे जितनी सीधी विकेट हो 380-90 चेज नहीं कर सकते विदाउट फखर जमान। फखर जमान की एक अलग स्टाइल है, अगर उसने 70 फखर के अलावा टारगेट भी नहीं दे सकते, अगर उसने 70 प्लस रन भी कर दिए, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग 100, 120, 130, अगर उसने 45-50 बॉलों पे 70 किए, दूसरे एंड से 30 पे 30 हुआ, आप 100 रन पे आ गए 12 ओवर में, तो गेम ऑन हो जाए। यार मैं कब से कह रहा हूं, अब मैंने क्रिकेट से समझा दिया, जो भी क्रिकेटर सुन रहा हो वो कप्तान बाबर आजम को ये सुनवा दे। देखो दुखी दिल क्या है बाबर आजम, नहीं ये तो ये गलत बात है यार। एक बात बताएं, अभी कुछ अर्से पहले तक ये सब विराट और बाबर का मवाजना, अब ये बातें लोगों को, ये कोई क्रिकेट से अलग बात नहीं है, क्या जज्बात, हार गए तो बैक तो तुम लोग करते थे इन लोगों को, तुम लोगों ने आज तक भी बोला है
तुम लोग श्रीलंका के मैच के बाद इतना स्टांस नहीं ले सकते कि भाई वो बॉलिंग बहुत बेकार थी, रिजवान ढूंढ रहा था, रिजवान नंबर चार पे बड़ी बॉलिंग का कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बाबर आजम क्लास प्लेयर है नंबर चार पे पूरी दुनिया में, पीपल लाइक मार्करम, लबुशेंग, डेरिल मिशेल। अबे मिशेल को देखा है, मिशेल को वो आपका नीचे खेल राहुल बाकी, अरे अय्यर है अब तो चार पे, अय्यर इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये मुमकिन तो नहीं है ऐसा ना हो, मगर ये कि रिजी भाई को जो है ना वर्ल्ड कप तक के लिए तलाक दे दो तुम बाबर, ये तलाक दे दो वर्ल्ड कप के, नीचे ले जाओ इसको नीचे। नहीं नहीं इसको नीचे नहीं रखो, चार नंबर के प्लेयर को 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना होता है इंडिया में, ना इसको साथ बिठाओ, ना इसको किसी कप्तान हो यार, दोस्ती बाद में करो बाहर, इससे बोलो कि मुझे भैया तेरी इतनी बॉलों पे इतने रन चाहिए, करेगा तो ठीक है नहीं तो नीचे आ जा। इससे आप पूरा पूरा एजेंडा लो, इससे आप अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पहले वाले कप्तान सरफराज लेते रहे थे आपसे, अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि ये डोमिनेट उसी वक्त करता था जब कप्तान इसको कहता था, वरना इसमें डोमिनेशन नहीं है, सुस्त खिलाड़ी है, इसको रिजवान की सियासत खा गई। और नासिर हुसैन क्या हाल है तुम्हारे, ये पहचानो है तुम्हारे, अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तेजी, रोहानी बाबू बजा दिया तेरा, अखवानी ने घंटा ऐसा बजाया कि दोबारा अफगानिस्तान के क्रिकेट लवर्स को जो इसकी ऐसी मारी है कि बाकी नस्लें भी सारी रोहानी बाबू की गंजी पैदा होने वाली है। भाई क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट लवर्स कहीं के भी हो, हम क्रिकेट पे बोलता रहे, क्रिकेट मैच अगर अफगानिस्तान इंग्लैंड को मारेगा तो हम क्यों मुबारकबाद नहीं देंगे, प्रेडिक्शन तो हो गई, वो बार बार क्या रिपीट कराना, आप लोग खुद मार्केट में क्लिप फेंकोगे हमारा, मगर अब वो आपकी जिम्मेदारी, मेरा दुख पता उसमें है, कोई इजाफी बात हटा लेना, सिर्फ जीत वाली बात काट लेना। मेरा दुख क्या है, दुख क्या है, मैं ट्वीटें भी है, ट्वीट्स भी है रिकॉर्ड पे, जो मैं बार बार हम बाहर गए तो चार लड़के मिले दोस्त हमारे, हमें देखने वाले भाई हमारे, वो बेचारे ऐसे हो गए, वो फोन कर करके बता रहे थे बाद में, बहरहाल उनकी मेहरबानी है यार, मोहब्बत करते हैं, उन्होंने हमारे साथ तस्वीर खिंचवाई और उसने खुसूसी मेरे पास बाद में आके पूछा है, मेरे भाई पाकिस्तान का क्या चांस है, मैंने कहा बहुत मुश्किल है लेकिन बाहर नहीं है पाकिस्तान, मेरे फोन में मैं तुम्हें बताऊं, और उसने पूछा ये मैच इंग्लैंड जीत गया, हैरी ब्रूक मार रहा है, मैंने कहा अफगानिस्तान अच्छे मार्जिन से जीतेगा, पाकिस्तान का जो टीनेज है जो 8 साल से लेके 20 साल के दरमियान के बच्चे 18 से 24 खुसूसन यार, और 18 से 24 वाले वो जो थोड़े सियाने कहलाते हैं ठीक है, जो लड़कपन से जवानी में आते हैं वो डिप्रेस्ड है, जो बर्गर वर्गर पिज्जे वीजे में बैठे हुए मिलते हैं। मैंने पिछले 2 सालों में उनकी डिप्रेशन कम करने के लिए जो बोला, 32 के भी होते हैं, उल्टा मेरे देखने से मेरे 45 के लगते हैं, मुझ पे छोड़ दिए गए गालियां देने के लिए, माँ बहन की गालियां दिलवाई हैं इन लोगों ने, सही है, वो कौन लोग थे जिन्होंने दिलवाई है, जो पेड एजेंट है इन प्लेयर्स के, पेड एजेंट है सोशल मीडिया पे, वो ट्वीट्स वो स्टेट शेयर करते हैं जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट से लेना देना नहीं है, वो प्लेयर की प्रोफाइल नहीं यार, इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे तुम्हारा बिजनेस क्यों चमके, पाकिस्तान ने जिस स्ट्रेंथ से पिछले 2 सालों में खेला है, यानी कि 2% की स्ट्रेंथ पाकिस्तान में आई है खेलने के लिए, ये मार के खुश होते रहे, इन्होंने कभी भी उनको इस तरह नहीं मारा जिस तरह पाकिस्तान को मारना चाहिए था, जो हक बनता है कि अगर आपको हल्का मिले तो उसकी टांगे तोड़ दो, जैसे नेपाल को मंगोलिया मिला, उसने माँ बहन एक कर दी मंगोलिया की, मार मार के अबे 34 बॉलों में 100 कर गया, 9 बॉलों में 50 कर गया, ऐसा रिकॉर्ड कर गया कि किसी के बाप पे दम नहीं है कि वो तोड़ के दिखा सके उनके रिकॉर्ड। तो आपको जब जब कम स्टंप मिली आपने पूरे मजे लिए, 50 ओवर मिले तो 50 में चेंज किया, 20 ओवर वाले थे तो 20 ओवर में चेंज किया, आपने हल्की स्ट्रेंथ के साथ मिलकर सेम स्ट्रेंथ का मजा लिया, और आप चौड़े बन के कोई किंग बना, कोई शबेराती बना, कोई झटके का ध्वजीजा बना, ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट की, और बच्चों को ये मैसेज किया कि आप जो है दुनिया पे रूल कर रहे हैं, और रूल करवाने के लिए रोहानी मामू आपको मिले, एक इंग्लैंड की बेवा मिली, न जाने काका से इंग्लैंड के 2% के साले पाकिस्तान में बुला बुला के आपने ये बताने की कोशिश करी कि हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, घंटा अच्छी चल रही है यार, पाकिस्तान को सिर्फ अपने नाम का नफसियाती दबाव रह गया है इस वर्ल्ड कप में, अगर बाबर आजम पाकिस्तान के नाम के नफसियाती दबाव में बाकी टीम्स को ले लेंगे तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अजय जडेजा ने आज आपको मालूम है क्या किया, अफगानिस्तान मैच जीता है, नासिर हुसैन तफरियां भी हो गई, अब थोड़ा सा एनालिसिस। अजय जडेजा ने जब दिल्ली का क्राउड देखा तो उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया, जब अंदर पहुंचते हैं ड्रेसिंग रूम में तो फील आवाजें आ रही होती है पर ध्यान नहीं देते,
बोला आओ बाहर आओ बालकनी में आओ, तो ड्रेसिंग रूम में बालकनी होती है, बालकनी में बुला के दिखाया है देखो। उन्होंने देखा तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने पूछा, जोनाथन ट्रॉट ने भी बोला कि ये क्या मेरे, जोनाथन ट्रॉट का मुल्क इंग्लैंड है, उसका भी रोल है, वो जानता था अपनी टीम को, ठीक है, है वो साउथ अफ्रीकन शायद, इनकी बातों का असर, लेकिन रोहानी मामू किया, लेकिन अजय जडेजा ने बोला ये सब लोग इंग्लैंड को नहीं आप लोगों को सपोर्ट करने आए, जिस टीम का आपने मुझे भी मेंटोर रखा है वर्ल्ड कप के लिए, काउंसलर रखा है, जो भी रखा है। तो उन्होंने कहा वाकई अजय भाई ये हमारे लिए आए। उन्होंने कहा जब तुम उतरो तो अंदाजा कर लेना। फिर उन्होंने कहा अजय भाई जीतते कैसे, उन्होंने कहा इधर आओ। अजय भाई ने निकाला मोबाइल, उनके मोबाइल में वो क्लिप, उन्होंने लगा दी 96 की बैटिंग अपनी वकार यूनिस के खिलाफ, ऐसे कह रहे दो ओवर में 40-42 रन 1996 में मारता था मैं। गुरबस को दिखाते रहे वो जब तक वो पैट पहनता रहा, और जैसी गुरबस ने पैट पहने और पूरी बैटिंग देखी वो अंदर गया है बस। और अंदर जाके जोश ने मारा है, हर बॉलर में वकार यूनिस ढूंढ लिया। अच्छा अंदर हर बॉलर में वकार ढूंढा है, अरे हर बॉलर में शोएब अख्तर भी ढूंढ लिया उसने, बोला इतना मारो टांगे तोड़ दो पकड़ के, जितनी तेज है सब तेज बना के डाल दो अंदर। तो भैया आपके पास रहनुमाई के लिए क्लिप भी पड़े हुए मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है कि क्लिप प्लेयर को, जो मैं बात बताऊं ना वो चेक किया करो, ये किया बॉल बताऊं वो भी चेक किया करो। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड का नस्ली कोच उठाया हुआ है, लड़का है वो जोनाथन ट्रॉट जिसका नाम है, उसका जाके जरा आसमानी किताब पे ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लिया। मैंने देखा उसको खेलते हुए भैया, वो हल्का आदमी नहीं है जोनाथन, ये इयान बेल की तारीफ, इयान बेल इज अ वेरी गुड प्लेयर, जोनाथन ट्रॉट ज्यादा स्किलफुल था, कम खेला, साउथ अफ्रीकन बॉर्न के वहां मसले होते हैं भाई। पीटरसन को क्या किया नासिर हुसैन, तुम लोगों ने बताऊं क्या, अबे जोनाथन ट्रॉट, एलेक्स सेल्स ने अभी आते आते रिटायरमेंट क्यों ली बताऊं क्या, अबे इन दो अपने मसाइल तो ठीक नहीं कर रहा, पाकिस्तान नेदरलैंड से हार जाएगा और इंडिया इंग्लैंड से हार जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं रूहानी पूरा डाल दूं तेरे, विराट कोहली बैठ के कवर ड्राइव मारता है, फिटनेस चेक होती है, कोई और बैठ जाए तो उठेगा नहीं पैर, कभी सोचो मेरे पाकिस्तानी फैन, वेट होता है कवर ड्राइव पे, सोचो मेरे पाकिस्तानी फैन के इसके मुंह से कभी तुमने विराट कोहली की तारीफ सुनी थी किसी ने इस वर्ल्ड कप से पहले, क्यों नहीं, क्योंकि वो मुंह नहीं लगाते दो टके के लोगों को, ना वो ये कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी पे बात करी तो तेरा मुंह तोड़ देंगे पकड़ के, ये इसीलिए पाकिस्तान मिल गया इनको, इन्होंने अपनी सारी खिबासत जो है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से एसोसिएट करके दुनिया में मुकाबला डिवाइड एंड रूल यही लेकर आया है पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझना चाहिए, इन बेगड़तों से जान छुड़ाओ सालों से फिरंगियों से। और भाई बैठ के जो ड्राइव लगती है वो बहुत ही अलहदा बात होती है, जो बैठ के ड्राइव लगती है, और ट्रेवस हेड आ गया है और ट्रेवस हेड फिट हो गया है, इनका कल मैच है शायद ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से, शनाका बाहर हो गया, ठीक है मैंने सुना है शनाका बाहर हो गया, और ये बहुत बड़ी खबर है, पांच सेंचुरियां मारी थी मेरे बटलर ने है लास्ट ईयर आईपीएल में, लास्ट नहीं उससे पहले वाले में, लास्ट ईयर तो जायसवाल मार है, तू अफगानिस्तान पे तेरा बल्ला, मैं सिर्फ जो रूट से एसोसिएट कर रहा जेसन रॉय की आ लग गई, अबे अपने बच्चों की बद्दुआएं लग गई इंग्लैंड को, मैंने कहा था जेसन रॉय वर्ल्ड लेवल का प्लेयर, किसको नहीं पता 2019 देखो, अरे ये मिचेल स्टार्क को इंग्लैंड की पिचेस पे वो निकल के एक उसकी इनिंग चेक करो 140-150 समथिंग की, स्टार्क को निकल के मारता था भाई वो 145 का बॉलर। मैं मार्क चैपमैन ये जो न्यूजीलैंड का नया लड़का है मैं इसके पीछे क्यों, सिर्फ इसलिए थोड़ी के छक्के मारता है, मैं देखता क्या हूँ, मैं तुम लोगों को भी सिखाऊंगा, बच्चोदियां नहीं सिखाऊंगा ये सिखाऊंगा, देखो ये कि 145 पे कोई डांस डाउन द ट्रैक करके, ये क्रिकेटर्स को बताना चाहिए, वो नहीं बताते, वो आजकल जुगते मार रहे हैं, मामे का लड़का, चाची का लड़का, पप्पो का लड़का, अबे ये बताओ किन कंडीशन में क्या प्लेइंग 11 हो, ये है क्रिकेट। एक बात में सच बात बताओ, हमारा सुन के पूरा छाप रहे हो, पाकिस्तान क्या आगे बढ़ के मार देता सीधा चौका ही, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जितने साबिक क्रिकेटर है ये सब जेसन रॉय यार कुछ ये, भी अरे हैरी ब्रूक का एहतराम है, फेबुलस क्रिकेटर, तीन सेंचुरियां मेरे यंगस्टर है, यंगस्टर है जेसन रॉय, जिस दिन जेसन रॉय ने इंग्लैंड को 5-7 मैच अकेले जितवाए में यार, अबे यार मतलब तुम इस झटके की टीम में जेसन रॉय, अबे उन्होंने
आदि आईपीएल में कलकत्ता ने बुला के खिलाया जेसन रॉय। इसको बोलो कि ये जेसन रॉय पे क्यों नहीं बोल रहा नासिर हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट की ज्यादतियों पे बात करते हो है तुझे? तुम जो है वो इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हो। अबे वाह बहुत लोग है बता देगा टंडोलकर को। बाबर ने सिलेंडर का पजामा पहन लिया, बाबर नाइकी की टोपी लगाता है, तेरी माँ की आंख साले। तू ये बता के जेसन रॉय क्यों नहीं है? तुझे बाबर के पैंपर का साइज भी पता होगा। आज के बाद झूठे तेरी ऐसी फिल्म बनाऊंगा ना नासिर हुसैन इंग्लिश सबटाइटल लगा के। अगर आज के बाद तूने मेरे मुल्क की किसी छोटी टीम से हारने की प्रेडिक्शन की, बेंगलुरु के करीब भी नजर आया ना मुझे, मैं बता रहा हूँ एयरपोर्ट नहीं जाने दूंगा। एक अबे पता है इसकी ऐसी की तैसी नजर ना आई है कहीं यहाँ पे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की तरफ। ये झूठा मक्कार है, इसने अपनी टीआरपी ली है। यहाँ सेवन स्टार होटल में बाबर की झूठी तारीफे कर करके बच्चों के जहन खराब कर करके इसने ज्यादती करी है पाकिस्तान के मासूम बच्चों के साथ। हाँ भाई एक बात और याद दिलाता हूँ, अब सुनो इंडियन इंडियन क्रिकेट फैंस जो लड़के लड़कियां, इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा ये मैंने तुम सबको खुसूसी मुखातिब किया जो इंडियन लड़के लड़कियां देख रहे हैं। तुम्हें याद दिलाता हूँ जॉनी बेयरस्टो ने न्यूजीलैंड पे 2-3 सेंचुरियां की, इंडिया को वो जो दोबारा गई सीरीज हुई 380 का चेज हो गया इसके 100 की वजह से, इसका कैच बच गया था सबको मालूम है, निक लग गई थी ये गया नहीं था और एम्पायर ने रिव्यू भी नहीं लिया ना इंडिया को पता चला। ठीक है वो अलग बात है, क्रिकेट है पार्ट ऑफ गेम है। मैंने आपको बताया था कि मैं सेंचुरी वेंचुरी देख के पीछे नहीं हूँ। फिर आपको मैंने ये भी बोला था 2022 में, ये रिकॉर्ड पे बातें हैं, मैं आज प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, कि अच्छा हुआ बेयरस्टो नहीं है, एलेक्स हेल्स है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। अब इंग्लैंड के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया। ठीक है अब बेयरस्टो का इंडिया में क्या हाल हो रहा है तुम देख रहे हो, फजलुल हक फारूकी की वो इनकमिंग, फजलुल हक फारूकी ने बाबर को भी वैसे एक आध बार आउट किया हुआ है, इस तरह से भी कर दिया, औरों को भी किया हुआ, और मलान भी दो बार बचा। समझाना ये चाहता हूँ ये जो प्लेयर्स होते हैं ना जो बाउंड्री हिटर्स होते हैं, सिर्फ बाउंड्री हिटर्स होते हैं, इनके डिफेंसिव प्ले में बड़ी कमजोरियां खामियां होती हैं, सिर्फ प्लानिंग एग्जीक्यूशन और थोड़ा सा लक भी होता है। जैसे मलान का लक था वरना वो दो बार आउट हो जाता, बुरे दिन वो उसी वक्त आउट होके चला जाता। फजलुल हक फारूकी इजीली गॉट कपल, जिस तरह का उसका बॉल आज स्विंग हुआ है, वो स्विंग जहां हल्का सा भी होगा अंडर लाइट्स वो करेगा। अबे 69 रन से मारा है तो मैं कह रहा हूँ 100 रन से हारते ये तो हैरी ब्रू का गले पड़ गया है, बेकारी का फील्डिंग खराब की है इन्होंने। अबे गंगा नाले जाके साले वहां पे रूहानी मामू तेरी 250 रन तुझसे अफगानिस्तान से नहीं बने, इसको कुंभ के मेले में छोड़कर आ जाओ। अच्छा एक मिनट, इनका नेदरलैंड से मैच नहीं हुआ है ना अभी? नहीं इंशाल्लाह वो खेलेंगे भी तुझसे। राइन टेंट स्काटे मेरे आदमी ने तेरी बजाई थी 2011 में, नेदरलैंड बजाएगा तेरी 2011 में राइन टेंट स्काटे ने तुम पे 100 मारा। 2011 में केविन ओब्रायन की फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी ने उस वक्त की तुम्हें बजा दिया, बर्बाद कर दिया, याद दिलाओ। अबे मुजीब ने तेरी मैया भी रन करती रूहानी मामू ऐसी की तैसी, ये बोलेंगे तेरी मुजीब ज्यादा रन मार रहा है, देख ले आ खेल मार रहा है पहला वर्ल्ड कप मैच खेल के गुरबत से पूरे घुसाया। अली खेल नाम है उसका, ये खेल खेल लिख रहे, खेल होता है खेल, इकराम अली खेल, अली खेल नहीं है। मैं उनको रूहानी किताब यार सबको ही मैं सिखाऊं भाई, ये जो क्रिकेट की हम जिसको आसमानी किताब कहते हैं मजाकन, उनका कोई आदमी मुझे पता वो लोग भी देखते हैं, आप लोग उसका नाम टैली कर लें अफगानिस्तान से कि वो खेले, खेल अगर कुछ है तो वो हमारी ना समझिए, हमें पता नहीं है, हम कास्ट नहीं क्रिकेट बताते। आई थिंक उसका नाम इकराम अली खेल होगा, अगर एक पंच और दे दूं इकराम अली खेल, हमें अगर कोई ये कहता है ना हम नहीं देखते, अबे हमें तो विक्रम भी देखता है, हमें तो प्रज्ञा भी देखता है। साउथ पोल पे जाते ही विक्रम ने मैसेज भेजा था, उसने बोला था मैं तुम्हें उस रास्ते से लेके जाऊंगा जहाँ पर कोई नहीं गया आज तक, वो हमें साउथ पोल से लेके चला गया चांद पे, और कह रहा है यहाँ तेल लगा रहा है तेरे लिए बास की लेडी बल्ले में, तुझे भीख मांगने पे मजबूर कर देगा मेरे रूहानी मामू। और सबसे अच्छी बात जो है आज
कम बैक हुआ राशिद का आज वर्ल्ड कप में। मैंने कहा था मैं बोलूंगा तो आउट करेगा राशिद। देखिए राशिद ने मैंने हाय डाल दी थी कि अब पिटेगा ये, जब से पिटी रहा है। मैं कह रहा था ना दिल्ली में दो ही लोगों के लिए नारे सुनते हुए लगे, एक विराट कोहली और दूसरा आज राशिद का जिस अंदाज से, और खास तौर पे आखिर में बहुत सपोर्ट किया था, पूरा पूरा ग्राउंड उसको कोहली कोहली करके ट्रोल कर रहा था नवीन को, मगर नवीन के लिए भी आज विराट ने गले में हाथ डाल दिया कि जा अब जी ले अपनी जिंदगी। अबे जो जो विराट जिसके गले में विराट का हाथ आ गया ना, फिर उसने हमेशा हाथ दे दिया है। वो हाथ ही देगा और वो उस हाथ को जो है ना, बता रहा हूँ बाबर को भी टी शर्ट मिल गई है विराट के हाथ से। बाबर ने टी शर्ट इसलिए दो साइन कराई है कि भैया जी ऐसा मुझे टी शर्ट साइन करके दे दे, टैग किया करो ना स्टार स्पोर्ट्स को इंग्लिश लाइन लिख के, ताकि मेरे में भी पहले बता देते, इनसे पूछ लिया करो इनपे क्यों वक्त जाया करते हो, पता नहीं कितने डॉलर लेते होंगे। अब नेट में बाबर विराट की टी शर्ट पहन करते हैं बैठ के, इधर पर्चियां चक्के भी मारेगा नेट पे टी शर्ट पहन के। अब बेटा अब ये ग्लोबल विलेज है, अब सबको पता चल जाता 15 मिनट बोलने के बाद किसको कितनी क्रिकेट आती है, किसको कितनी आती है। अच्छा आज स्पिन ने काफी, आज आपको पता है ड्रामा की तब्दीली जो आई आज अफगानिस्तान की जीत के अंदर, वो इनका स्पिन अटैक है जो यकीनन इससे पहले कारामद नहीं था। आपने वेल प्लेड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के जितने क्रिकेट फैंस हैं उनको हम दोनों की तरफ से और हमारे पूरी चैनल की फैमिली की तरफ से बहुत मुबारक हो भाई। यू गाइस प्लेड सुपर्बली टुडे एंड टुनाइट। एंड अगर मैं पीसीस वाइज बताऊं, एक वो फेस था कि आपने इंग्लैंड को बताया कि आज हम आपसे लड़ाई करने के मूड में, 10 ओवर 79 ऑलमोस्ट 8 ओवर 1 का 80। उसके बाद एक वो फेस था कि आप गिरे 180-85 पे 6 हो गए, वहां से जो आपने 100 रन बनाए मैं पक्का हो गया। जब राशिद को मैंने देखा कि सिंगल कर रहा है उस लड़के के साथ इनिंग बिल्ड कर रहा है, नॉर्मली या राशिद बल्ला चला के 2-4 लगे तो लगे, मैंने वहां की डिटर्मिनेशन से देखा कि अजय जडेजा ने और जोनाथन ट्रॉट ने दोनों ने मिलकर ये बताया अपनी टीम को, अजय जडेजा मकामी है क्योंकि इंडियन है, ये बताया कि ये सब आपको सपोर्ट करने आए हैं, ऐसा लग रहा है आप आज होम टीम हो, आप मैच खेल लो काबुल वगैरह में अफगानिस्तान के किसी शहर में भाई। अब ये समझ रहे थे कि दुनिया में सारे लोग चूतिया हैं, जैसे हमने इंग्लैंड को चूतिया बना के क्रिकेट खेलते रहे, हम बाकी लोगों को भी चूतिया बनाते रहेंगे। इनको पता ही नहीं है कि तुम्हारा ऐसी की तैसी कर दी जाएगी, एजेंडे की कुल्हाड़ी से रख के तुम्हारे मामू के 2 टुकड़े कर दिए। हम उस वक्त भी कह रहे थे मगर हमारे बच्चों को यकीन ना आया, लोग समझ रहे थे कि यार हम सब हम ही बताएंगे सेमीफाइनल भी फाइनल भी, ये भी लोगों को लगता ही था कि बहस करते नहीं, हमारे इंडिया को रोकना आसान नहीं है, बस बाकी हमारे अंदर भी दिल धड़कता है हम भी, और फिर बाबू ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर पेन नहीं होता या हमें खुशी नहीं आती हमारे। क्या तुम में से आधे लोगों ने कल ये कमेंट नहीं, तकरीबन आधे लोगों ने किसी ने अंदर भेजा ट्विटर कि यार वो ठीक है आप लोग तो शो करते हैं, हम इंजॉय भी करते हैं और क्रिकेट भी समझते हैं। मुझे तो बहुत मैसेज मिले ऐसे, ठीक है इनबॉक्स हो या लिख के हो या प्रोग्राम पे हो, आप लोगों ने बच्चा बता रहा था कि आ देखें बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि यार आज आपकी शक्लों पे वो पेन दिख रहा है, नॉर्मली आप मजे लेते हैं, यार पेन ये दिख रहा था हमारे कि हम चाहते थे कि हमारी टीम कोई कंपेटिटिव मैच एक जीते, ठीक है इंडिया तो सुप्रीम टीम है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई आगे कंपेटिटिव मैच जीत नहीं सक रहे। अच्छा रोजाना मैं पहले से तो पढ़ना तो वो तोता होता है, वो दिल की आवाज़ होती है, अभी मैच नज़दीक आने दें, पाकिस्तान के कैंप की खबरें आने दें, कुछ बयानात भी आने दें, उससे आप अंदाज़ा ये लगाते हैं कि अभी एक सोच क्या रहे हैं, क्या वही डरी हुई क्रिकेट सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। सोच करवा देती है, देखिए सोच छक्के नहीं लगाती, सोच आपके अंदर वो एनर्जी भर देती है कि आज नो हाफ मेजर्स लेकर खेलूंगा मैं। नो हाफ मेजर्स क्या होते हैं कि जब रोकूं तो इस अथॉरिटी से रोकूं कि मैंने रोकनी है, और जब मैं सोचूं कि मुझे बाउंड्री क्लियर करनी है तो कोई सेकंड थॉट मेरे बैक ऑफ द माइंड नहीं होनी चाहिए कि क्या मैं आउट हो जाऊंगा। रोहित शर्मा एफर्टलेस छक्के क्यों मारते हैं? देखिए एक बात, दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर आ रहे हैं जा रहे हैं, सब अच्छे हैं, सब नौजवान है, बट आई स्टिल फील, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं इसमें विराट को भी ऐड कर लेता हूँ ओवरऑल छक्के मारने में, कि जब रोहित शर्मा छक्के मारते हैं तो आपको लगता है कि उसने मारा ही नहीं था छक्का हो गया। 11 लोगों के रोहित शर्मा शुरू से नो हाफ मेजर्स नहीं लेता, उसके जहन में कोई डर नहीं होता, उसे बॉल लगता है ऑन दी अप, खड़े खड़े बॉडी से दूर भी है बैट फिलो से यूं मार देता है। कल उसने कहा है ना कि बैट वैट कुछ नहीं भाई मेरी अपनी पावर है ये। अबे दम होना चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ बाउंड्री 40 मीटर की हो मगर उसको पार करने के लिए दम होना जरूरी है, छक्का नहीं फिक्स हो सकता भाई, छक्का ही तो फिक्स। अच्छा फिर मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि यार देखें ठीक है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, मगर अब नए लोग तो चांस से उतारे नहीं जाएंगे,
ठीक है, अब जो अब वहां पे भी जाएंगे अगर आप 18 में भी जाते हैं तो आपको दो यहाँ से बिठाने पड़ेंगे, दो बिठा अब आप ले गए थूक का जहाज तो भी ठीक है, इस्तेमाल तो कर रहे हैं। रिजवान को आप बिठाए, आपको पता है आपका मैच विनर है, अफगानिस्तान इतनी बड़ी टीम नहीं है कि पाकिस्तान उससे भी डर के खेले, आप रिजवान उसको हारिस को मौका दें और इधर शादाब को बिठा के उसामा को मौका दे दें, आप भी अपने तीन उन लोगों पे जाएं जो सरप्राइज हो अफगानिस्तान के लिए, ऐसे प्रिडिक्टेड लोग मत खिलाएं जिनको पता हो अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान अब वो नहीं है, इंग्लैंड को मारकर पहुंचिए भैया। एक और बात याद आ गई मुझे, थैंक यू बेटा याद दिलाने का, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वनडे सीरीज चल रही थी तो मैंने ये भी बोला था अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा अचीव करेगा एक दो मैचों में जी। क्या क्या अचीव किया आज उसने, किसको हराया, अल्लाह इज्जत देता भाई, क्रिकेट मेरी बात के पीछे क्रिकेट होती है, वर्ल्ड चैंपियन को मारा है ये, बस उन्होंने उनका वर्ल्ड कप जीत लिया, उन्होंने जीत गए वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीत गए वो, जैसे हमारे वर्ल्ड चैंपियन मारा है यार उन्होंने, जैसे हम लोगों ने अपने थूक के जहाज बनाए हुए थे ना कि इंडिया से जीत जाओ वर्ल्ड कप जीत जाओ, जो आम तासुर यही था पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया से जीतना है, इंडिया से हार के अब इसलाह आपकी क्या होनी चाहिए कि आई प्रेडिक्टेड दिस बिफोर अ मैच, बच्चों को यही सिटी आप समझे नहीं, टीम बैलेंस कंडीशंस, हम तो जो क्रिकेट की फोरकास्ट होती है वो बताते हैं, हम कोई आसमानी फोरकास्ट नहीं बताते कि ये यूं है यूं है, सेकंड मैच ऑन दिस पर्टिकुलर विकेट, हाँ आज शनि है कल मंगल है, ये वाली कहानी नहीं है हमारे पास, ना हम टैरट कार्ड रीडर है ना हम कोई आसमानी कोई क्रिकेट रीडर है, हम क्रिकेट रीडिंग बताते हैं तो पाकिस्तान में बाकी गलत भी हो सकती है, गिवन डे पे एग्जीक्यूशन है, पाकिस्तान क्रिकेट नाजुक खेल है, बॉल और बल्ला नहीं चला, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग पाकिस्तान की टीम के खिलाफ बात करते, नहीं टीम के खिलाफ नहीं, नहीं भाई सबको पता है इंडिया का मुकाबला नहीं था, ये तो सबको पता है, मगर फिर भी थूक के जहाज चिपकाए जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला नहीं था यार, सबको पता है ये। अब आ जाए आप, अफगानिस्तान डिड वेल एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, पाकिस्तान अफगान प्लेयर्स हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, दे हैव पजेसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, मैं आपको बता दूं इस तरह का टैलेंट है उनमें कि मुझे एक आधा अपसेट करने की कम से कम सलाहियत उनमें और लग रही है, क्यों, क्योंकि गुरबस की 130 की इनिंग नहीं मिल रही। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, सही है, वो क्या है, अफगानिस्तान का 4-5 बेकार है, नबी फायर नहीं कर रहे, एक वो भी इनिंग थी नबी की वो जो श्रीलंका के खिलाफ आए थे, श्रीलंका को तो नबी ने 37 ओवर में 280 मारे थे, तो ये आप 49 ओवर में 345 करके क्या समझ रहे थे, ये मुझे उस दिन मिसाल देनी चाहिए थी यार, भूल जाते हैं, इन्होंने उसको पूरा मौका दिया, हजरतुल्लाह हशमतुल्लाह दिया था ना वो, अब सिर्फ T20 में रख लिया, मैंने उसका भी पहले बताया था ड्रॉप होगा वो। अच्छा इब्राहिम जादराना देर लगा के आउट हो गया, बट इब्राहिम इज अ फैंटास्टिक प्लेयर और वो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है गुरबस से, आप जब इनका आगे कोई मैच अच्छा आना है तो उस दिन भी आपको यही दिखेगा कि इब्राहिम और गुरबस की 125-150 की स्टैंडिंग है, ये पेयर बड़ा सोच के रखा है और ये इकराम आखेल को अली खेल को ये इसीलिए लाए हैं अंदर कि गुरबस को आप रिलैक्स कर दें। आपको याद है मैं पाकिस्तान की सीरीज में कह रहा था कि जवान कीपिंग भी करता है, मतलब यूथ है ना, लेकिन ये टेक्निकली मॉडर्न डे क्रिकेट में गलत है भाई, कलकत्ता का प्रीमियर ओपनर भी गुरबस है, नाइट राइडर्स का, शाहरुख खान का भी आदमी गुरबस है, अफगानिस्तान को मिडिल में एक बंदा ऐसा 27-28 लोग शाहरुख खान भी भेजते हैं गुरबस को सपोर्ट करने, अफगानिस्तान को मिडिल में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो 10-12 ओवर रोटेट करे स्ट्राइक खेल की शक्ल में, उन्होंने कम से कम वो नीचे वो कप्तान उसको अपने नंबर पे कर दे भाई, शायद ही तू माफ कर देना यार, अबे आज भी तेरा 40-50 का भाई अच्छा बुरा नहीं है, कुछ लगा खेलता सीधा, लेकिन थोड़ा सा बेटा दिलेर हो जा, तेरी टीम ने आज इतना अचीव कर लिया भाई, तू 45-50 कर दे, तू कुछ ना कर, ये उमर सही इज अ फैबुलस क्रिकेटर, मैं पहले भी कहता था, जुमले बोल दे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज फेल हुआ वरना उमर सही का भी 50 आ जाता शुरू, आज भी उमर सही दिलेर प्लेयर है, अपने शॉट्स नहीं रोकता, अबे तेरे को हाई, तेरे को क्रिकेट की हाई लग जाएगी रूहानी मामू, हमारी तो दूर की कहानी है, क्रिकेट की हाई लग जाएगी, पहली बात यह कि कोई गलत समझता हो, देखो किसी में मजालती इसको कुछ बोलने की, क्यों, क्योंकि डरे हुए होते हैं, डरे हुए, जब इसने बोला हमारी टीम में जितने भी फ्लॉज हैं, हमारे मुल्क की नाम की जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, उसमें जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी सियासत है या अपने नंबरों के लिए अपनी बैटिंग होती है, पर जिस दिन इसने ये बोला क्या हम इतने थे, हम भाई पागल नहीं है, हमने कहा भाई नेदरलैंड नहीं मार सकती हमें,
खा गया, हमारा बच्चा ही खा गया उन्हें तो, साउथ शकील पहले वर्ल्ड कप मैच में। अच्छा मैं उनसे कोई पैच थोड़ी लड़ा रहा हूँ, उनको मैं बैश करूँ। अरे वो बेचारे खेल रहे हैं, बड़ी बात है, उन्हें खिलाओ यार, खिलाओ, अच्छे लड़के हैं यार। वो डी लेडे का बेटा है, वो टिम डी लेडे, उसके अब्बा तो बेचारे बहुत सुस्त है, वो अच्छा है, बास डी लेडे को खिलाओ, उसको खिलाओ। और भाई उसको ना बिठा भाई तू एडवर्ड्स, वो जिसको तूने बिठाया आखिरी मैच में, बेवकूफ, क्या नाम है आपका फेवरेट जो दसवें पे आके छक्के मारता है, वैन बीक। भाई वैन बीक को क्यों बिठा रहा है भाई, आउट है अभी तक, उसको अपने नंबर पे कर दे, सिक्स सीटर है वो। जैसे मैकार्थी है, आयरलैंड नहीं आई ना तो किसी को याद नहीं होगा, जैसे मैकार्थी आठ पे खेलता है आयरलैंड का, वो भी 50-60 और 6 छक्कों का पूरा प्लेयर है वो, उसे भी पता नहीं आयरलैंड आठ पे क्यों खिलाती है। जगहों पे नामों पे भी लड़के खेलते हैं, तो बात ठीक करो। देखो नेदरलैंड नूर अहमद आ गया क्या पाकिस्तान के खिलाफ, वो अभी दूर की बात है बेटा, बॉक्स में नहीं, बॉक्स और असद में नेदरलैंड ने सबक, जब मैच आएगा तब बात कर लेंगे, ये वाला ड्रामा नहीं करना कि पाकिस्तान के हारने की बात कर लो तो नूर आ जाएगा, आ जाएगा बात हो जाएगी। अबे वो देखा जाएगा जब आएगा, जब देखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नेदरलैंड ने अब सीख लिया अफगानिस्तान से कि किस तरह अपसेट करते हैं, नेदरलैंड ने भी तो सीखा है। अब वो अपना अगला अपसेट जो है ना इसी पे कर देंगे, रूहानी मामू की टीम के ऊपर। अबे तू अपनी टांगे पूरी लेके नहीं आया, दूसरे की टांगों के पीछे लगा हुआ है कि तू गिर जाएगा, सब तुम जीत जाओ, तेरे मुंह में होगी बवासीर, हम तेरी बवासीर सारी मार देंगे, समझ गया, सारा कीड़ा तेरे मुंह पे निकाल के डाल देंगे और तू मुंह पकड़ के निकले। अबे तेरी माँ की आंख साले ढक्कन के एनालिस्ट, तू, तुझे क्या लगता था कि तू जो मुंह में आएगा वो, अरे तेल लेने गया तेरा क्रिकेटर नहीं, एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर लेजेंडरी कैप्टन तू है रूहानी मामू, जिस मैच में तूने 100 मारे कुदरत को भी पसंद नहीं आया, तुम भी फाइनल हार जाते थे, इंडिया भी हार जाता था उस दिन, सौरभ गंगोली जीत गए युवराज, और फिर कैफ, अबे मोहम्मद कैफ खा गया तुझे, मोहम्मद कैफ ने तेरे लंबे तड़ंगे बॉलर एलेक्स टूडर को जो पुल पे छक्का मारा था ना, वो मैं आज तक नहीं भूला, पहले कवर मारा और फिर छक्का मारा पुल पे। मोहम्मद कैफ की करियर में मोहम्मद कैफ अच्छे प्लेयर, दो डिफाइनिंग इनिंग है, एक अगेंस्ट पाकिस्तान और एक अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, पाकिस्तान वाली कहां की, 2004 की लाहौर की, ठीक है, जो ये यहां आए थे आखिरी के दो वनडे में कैफ ने रन किए राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर मैच जिताया। खिलाड़ी आपको याद कैसे रहता है, उसकी वजह ये उसकी परफॉर्मेंस आपको याद दिलाती है, ठीक है, तो माइलस्टोन उन्होंने किया हुआ, ठीक है, इंडिया के लिए ज्यादा नहीं खेल पाया, ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो ज्यादा। पहले गुलबदीन नायब सस्पेक्टेड आदमी है, इसलिए उसको वो है ही नहीं, वो तो वहां गया बताई मर्जी, वो खेलने जो हो रहा था ये एशिया एशिया कप, इसको बिठा दिया, इसको फारिग कर दिया, इसको सही है यार, बट बाद में देख लेंगे उसको, गुड बैलेंस। ये कि फारूक उमर उमर जई इज अ फेबुलस क्रिकेटर भाई, उसकी बैटिंग इंडिया के खिलाफ नहीं देखी, पांड्या उसे, अच्छा मजाक तो हमने कर लिया था, पांड्या ने उसे ही आउट करके यूं क्यों किया, हार्दिक पांड्या की दिमाग बताऊं, हार्दिक पांड्या अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, हार्दिक पांड्या को ये पता था कि प्लेयर ही यही लग रहा है, दूसरा वाला तो कप्तान अच्छा है, उसकी बुराई क्या करें, तजुर्बा भी नहीं है भाई, अगर तू मजबूरी है कप्तान है तो यार तू रना बॉल तो खेल इंडिया में यार, कम से कम 50 पे 45 तो कर, आज 30-20 बॉलों पर तेरे फिर 15-18 फिर तू आओ यार, ऐसे नहीं चलती क्रिकेट यार, मुजीब तक बैटिंग है अच्छा, हर मैच में नहीं लेकिन मुजीब वक्त आने पर कर रहा है पिटाई लोगों की, मुजीब राशिद का बड़ा रोल है और वो आखेल का, उसने 50 करते ही छक्का मारा और जिस बॉल पे वो बाउंड्री पे कैच हुआ है उसने टाइमिंग करने की कोशिश की थी, थोड़ा और जोर लगाता छक्का हो जाता। अरे लुक्स अ वेरी वेरी डिसेंट प्लेयर दैट न्यू विकेट कीपर बैट्समैन 24 ईयर ओल्ड अंडर 24 ईयर ओल्ड, अभी मैंने इकराम आखेल दो दिन पहले ही सुना है मैंने वो हनी से, टाइम फॉर अफगानिस्तान, टाइम फॉर मोहम्मद नबी टू डिलीवर विद द बैट, इवन राशिद प्लेड रियली वेल यार, आज उसने बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में आज ऐसा लगा कि अफगानिस्तान के लिए खेला वो आज, देखिए खिलाड़ी हमेशा बड़े मैचेस पहली बार आए हो, और ये कौन रूहानी मामू का भी कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई, नासिर हुसैन, नासिर हुसैन का नाम है रूहानी, मजाकन रखा हुआ रूहानी मामू, इसमें कोई बुराई नहीं, रूहानी मामू ये इंग्लैंड के नासिर हुसैन ही है, पाकिस्तान जब आते हैं तो रूहानी मामू कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में मसले दिखते हैं, इनके जो इनका जो कीड़ा है ना वो यहीं पर निकलता है, इन्होंने पाकिस्तान के एशिया कप का मैच देखा, आप सुनना मुझे हटती क्यों है, अगर ये एक्सपर्ट के बच्चे हो ना, एक्सपर्ट जीत को भी बताता है कि जीत क्यों गए, कमजोर टीम थी वो अच्छा डिलीवर, ये जब तक गुन गाते थे पाकिस्तान टीम के, इन्होंने एशिया कप में 228 चलो वो तो बड़ी टीम, श्रीलंका से हार देखी ना, और ये इंडिया भी आ रहे थे, इन्होंने इंडिया में कदम रखते ही बोल दिया नेदरलैंड पाकिस्तान को हरा देगा, तो उस दिन भी हमने इनकी चित्रौल की कि हमारी टीम जैसी भी है उनसे
उनसे नहीं आ रहेगी। इसको लगा कि पाकिस्तान के नाम को इंडिया में गिराओगे तो व्यूज मिल जाएंगे। और फिर मैंने इसकी बात उसी दिन निकाल दी कि इंडिया वालों, इसने हमेशा कहा है कि इयान बेल की कवर ड्राइव के आगे इसका इशारा यही होता है, कोहली की कवर ड्राइव कुछ है ही नहीं। इसको सन्नाटे में ले जाके इसकी मारो पकड़ के, ताकि इसकी चीख पुकार भी कोई ना। लाइक करो, लाइक 10,000 पूरे लाइक करो, और जहाँ पे इसकी मारोगे वहाँ रक्षा स्टार्ट कर देना, ताकि ये चिल्लाता रहे कोई आए ना। 9,000 लाइक है और 17,500 अभी भी हो, लेकिन लाइक करो, लाइक करो, शाबाश करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच आप लोग। तुम लोग कहते हो ना जब बैठे तो करो, और क्रिकेट की बात और सुन लो तुम लोग, ये क्रिकेट का प्रोग्राम कर रहे हैं हम। अबे क्रिकेट की बेवा, क्रिकेट पे व्यूज है, क्रिकेट की, मैं क्रिकेट की बात करने बैठा हूँ इनको लेके इस उम्र में। इधर यहाँ कोई एजेंडा नहीं बेचते हम लोग, कि तुम लोग कहते हो इतने उम्र वाला आदमी बैठ के क्या एजेंडा है इनका। बता रहा हूँ लेवल में, लो लेवल में बता रहा हूँ। क्रिकेट भी पता और मुझे ये भी पता कौन कितना बड़ा क्रिकेटर था। अबे कई मोड ऑफ डिसमिसल बता के मुंह छुपाने पे मजबूर ना कर दूं कि किन किन की सीधी बॉलों पे विकटे गई है तुम्हारी। अबे जिनके नाम ले और किस किस तेज विकेट पे तुम्हारी दो दो टप्पे में बॉलें पहुंची हैं। अबे एक तो गलत नाम ले, इतना याद है मुझे, एक तो गलत लेजेंड को पकड़ के तुम लोग क्रिकेटर बन गए, यानी गलत एल पकड़ के, लेजेंड का मतलब एल पकड़ के, गलत एल पकड़ के तुम लोगों ने बल्ले पकड़े, ठीक है। और उसके बाद जिन लेजेंड्स का नाम लेके तुमने क्रिकेट खेली, अबे वो लौंडा है बच्चा है, वो छोड़ो, उनका बेटा उनका जिस दिन तुम्हें ब्रेकडाउन दिखा दिया ना, या बता दिया कि ये इतने घंटे के लेजेंड थे, तो तुम उस दिन के बाद क्रिकेट के बल्ले और बॉले फाड़ दोगे, तो बेकार है। हम तुम्हें उस तरफ लेके नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि क्रिकेट में अगर गलत तरीके से आई गए हो तो आने के बाद ही सीख लो ना। मेरा बाबर कहता क्या है, तुम लोग सुनते नहीं हो, बच्चे हैं सीख रहे हैं, जब सीख रहे हो तो सीखते हो ना। यार कल मैं तय करता हूँ, रुक जाए, सेटिंग प्लान बना लूं, करेगा बाबर रन करेगा यार, मेरे पास एडवांटेज नहीं, ये नासिर हुसैन की खार में अब मैं पीछे खड़ा होने वाला हूँ। नहीं इसको नेदरलैंड पता है, मैं खड़ा हो गया तो सेमीफाइनल खिला के ही मानूंगा। नेदरलैंड बच्चे मुझे रोक के सड़कों पे सिर्फ यही पूछ रहे हैं एक सवाल, वासे भाई जा सकता है या अल्लाह की देन है, वो मुझसे क्यों, मुझसे सिर्फ यही सवाल करते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है आप बताएं। मैंने कहा यार देखो ना, पाकिस्तान अभी बाहर हुआ है, लेकिन माइंडसेट बदलने बहुत जल्दी, अग्रेसिव अप्रोच, मुल्क की प्लेइंग 11 उतारेंगे कंडीशन देख के तो जरूर जा सकता है अब भी, क्योंकि ये गोरी टीमों में उतना दम नहीं है जितना आप लोगों को बताया जा रहा है। इंडिया की कंडीशन है, देखो यार मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप ये हमारा और इंडिया का मसला है, हम कहीं पे भी सेटल कर लेंगे, मगर बाकी टीम जो है ना वो इतनी आसान तू कौन है रूहानी, ये क्यों आता है बोलने इस पे, कौन ए रूहानी? अभी इसको लग रहा था इंडिया में भी इसका यही वाला धंधा चले, देखा इसको पाकिस्तानी नहीं रहा, इसकी बातें भी नहीं बाहर आ रही, इंडिया में जाके किया क्या देख लिया, कहीं आपने सुना कि लोग बेहोश हो जाओ ड्राइव आ गई क्रिकेट की बेवा माइकल वॉन। अच्छा दूसरा जो असल मुद्दे की तरफ, अबे तुम यही बता दिया करो ना जो लोग पूछते हैं कमेंट्स में, असल मुद्दे की तरफ आ रहा था वो मेरे जहन से निकल गया, भैया क्या नाम था तुम्हारा मैं भूल गया, मिलाई थी और उसका मैंने लॉन्ग वाला पान खा लिया, आवाज थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम हुई है यार, मेरी तो अब एक साल से ऐसी रहती है, मेरी कोशिश ये है कि आप तक आवाज भी पूरी पहुंचे, क्योंकि मैं हमारे पास पैशन के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारा क्रिकेट पैशन है भाई, अगर किसी को ये फील होता है कि नहीं यार शायद हमारा कोई एजेंडा होगा, हुआ करे, आप लोग सोचते रहे, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बैठता यहाँ पे, मगर मैं अपने पूरे पैशन के साथ वासी के साथ बैठता हूँ यहाँ पर, और कोशिश ये होती है आपको हर नुक्ते पे जवाब दिया जाए, हर नुक्ता क्या होता है कि अब क्योंकि आप ये वर्ल्ड कप देख रहे हैं पूरा घर मुलव्विस होता है, पता है आपको इसके अंदर, इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की मैं बात कर लूँ तो तकरीबन 2 अरब के करीब लोग हैं, ये 2 अरब के करीब 1.8 बिलियन के लोग, बाहर भी बहुत सारे हैं, और बाहर को तो छोड़ ही दो मिला के, ये सब इन्वॉल्व थे भाई, ये सब इन्वॉल्व है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, बाहर निकलो तो लोग पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे कोई यहाँ से कोई यहाँ से, भाई क्या होगा भाई ये क्या होगा, अब इसका बताओ अब इसका बताओ, कुछ बच्चे जो मुझसे दूर थे इस वजह से कि शायद मैं कोई बैशिंग ज्यादा करता था, वो बच्चे भी अब ऐसा लगता है कि उनको भी यकीन हो रहा है कि मैं उनको ये कह रहा हूं कि बिलीव जो होता है ना वो आपको क्रिकेट पे होना चाहिए, आपको कभी नाम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप अगर क्रिकेट पे बिलीव करोगे तो आपको अपने हीरोज दुनिया में कहीं पे भी मिल जाएंगे,
दुनिया में कहीं पे भी आप क्रिकेट पे बिलीव करोगे ना तो हीरोज बनाओगे ना, आप अगर नाम पे हीरोज बनाओगे तो घंटे के किंग कहलाओगे आप, हमेशा याद रखिएगा। आप क्रिकेट को अगर पैशन के साथ नहीं देखोगे, नहीं डिस्क्राइब करोगे, नहीं एनालाइज करोगे, तो फिर आप पे टैग ये लगेगा कि यार अपने को अपने कोठे पे बैठ के अपनी बातें करते हैं मसीह। तो हमारा कोठा तो कोई है नहीं भाई ये, कि हम कोठे पे बैठ के यहाँ पर या रंगरलियाँ मनाए। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे लेसन को करीब से ले लेगा उसकी बात समझ में आ जाएगी। इसमें वरना वो लेसन ले ले, इसमें एग्रेशन भी होती है, इसमें पॉजिटिव चीजें भी होती है। वो कहा है कल से दिखा नहीं, कौन कोयला का शाहरुख खान, कल बेचारे को मैच भी नहीं मिला, सबसे ज्यादा वो दुआएं कर रहा था कि गिल को आराम करा दो, मैं भी खेल लूं इंडिया पाकिस्तान वाला। वो असल में अपनी सेटिंग बनवा रहा है। अच्छा है यार, वो भी अच्छा लड़का है, वो सेटिंग बनवा रहा है, गुड गुड टीम मैन। रोहित शर्मा की भाई यानी कि भाभी अका, उसकी भी रोहित से वही सेटिंग है जो रिजवान की बाबर से, लेकिन फर्क क्या है, रोहित शर्मा टीम की सोचता है। हाँ। गिल वापस तो बेटा आप ही बैठोगे, अय्यर खेलेंगे, अय्यर भाई खेलेंगे, आप बैठोगे, इसको ये होता है कप्तान। इसको ग्राउंड में से किसी ने बताया कि तुम जब फील्डिंग कर रहे थे नजर भी नहीं आते विकेटों के पीछे, तो चलो नजर आ जाते हो, तुम फील्डिंग जब करते हो तुम इतने तुम्हारा साइज है कि तुम नजर नहीं आते। बबूमा तो आपको बताइए, वो तो एक अलग ही चीज है, बैठने की जगह। ईशान कोठा, मिर्जा गालिब देखा है तुमने, मिर्जा तुम गालिब को असल में बेटा उर्दू और संस्कृत और ये सब भी नहीं आती ना, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। हाँ। कोठा इटसेल्फ उसका कोई और मतलब नहीं। अबे गाने बजाने की जगह जहाँ साजिद बैठते हैं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े नवाब, लखनऊ के लोग समझ गए होंगे कोठा क्या होता है, ठीक है, और यूपी के लोग भी, यूपी के लोग भी, ठीक है, और सहारनपुर के भी, और वहाँ के भी, क्या नाम है, क्या नाम है, नैनीताल के भी लोग समझ गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू में इसको कोठा मतलब। अच्छा, ग्राउंड से हमारे पास, हमारे एक दोस्त वहाँ पर मौजूद था, मेरा पर्सनल हमारा फैन भी, लवर भी कह लें, कोटे की आईडी बना लेंगे ये बड़े नहीं, नहीं यार नहीं बना, ये, नहीं, ये बना लेते हैं, ये हर जो नाम इनको तो उसकी आईडी बनी हुई होती है, उड़वा दूंगा उसको बच्चों को, नहीं ये सोशल मीडिया पे बना लेते हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं करना है ऐसे गंदे वर्ड्स। अच्छा यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर वक्त मौका नहीं मिलता यार, एक दरखास्त है सबसे यार, मजे भी लो, जो मजे भी करता है ना एंजॉयमेंट के लिए भी देखता है यार, लेकिन एक बात समझो, यहाँ बोल रहे हैं ना, ये ट्विटर व्टर पर आकर गलत वर्ड लिखना वो एक अलग मीडियम है बेटा, अगर वहां तुम मस्खरे गिरी की लाइनें लिखोगे तो लोग सीरियस नहीं लेंगे, बात को समझो मेरी, तो प्लीज थोड़ा सा मजे लो, एंजॉय करो, यहीं जाओ खत्म, क्लिप वो काटो जिसमें क्रिकेट की प्रेडिक्शन है, ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सुन लेते हो ना हंसी मजाक की, जो एक्स्ट्रम पोल लाइनें आती है खुद ही आती है, कुछ सोच के थोड़ी बैठते हैं, लेकिन यह है कि जिस दिन सोच के बैठेगा तो उस दिन क्या होगा, इतना सब वैसे ही निकल जाता है पता नहीं अल्लाह के हुक्म से, क्रिकेट का अंदर से पता नहीं निकल रहा था दोपहर से, क्या अगर इस विकेट पे ड्यू नहीं पड़ा, वो कह रहे हैं उर्वशी, जब मैंने मैंने पहली बॉल स्पिनर की देखी है, मैंने कहा इस विकेट पे स्पिन होगा, हालांकि वो बॉल स्पिन नहीं हुई थी, मैंने भाई को तुक्का थोड़ी था, मुझे लगा कि बस ड्यू ना पड़े, अफगानिस्तान ये मैच हारेगा नहीं 300 के आसपास के रन पे। उर्वशी का पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं, उर्वशी का फोन खो गया और ये हो गया और वो हो गया, उर्वशी का। हाँ। अब तो उसका क्या मसला, रात तक तीन नए आई, इस खबर पे ही पांच पहुंच गए होंगे घर, अब्बू तो वो लेकर आए भी थे अपने, मसला तो हमारा खो जाएगा, तो कोई कोई 33-10 भी नहीं भेजेगा भाई नोकिया का। यार क्या आया है? मैं यार माशाल्लाह मैं जब वो ट्रॉफी लेके खड़ी थी, और 9 मिनट तक आज आपने उसकी मैदान की तस्वीरें देखी है, बड़ी अच्छी लग रही है। मैं जिस मोबाइल पे देख रहा था उस पे हाथ भी लगा रहा था बार बार, मैली ना हो जाए ना कि मोबाइल खराब ना हो जाए। उर्वशी उर्वशी पंत भाई हमारा छोटा है, नहीं अब तो पंत का तो पंत तो पर पंत तो दस बरदार हो गया, पंत से बड़ा अब तो मोबाइल होता है उसके हाथ में, बताओ यार। बहरहाल यार ये मजाक की बातें हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, वो अपना काम करें, उसका फोन जिस लड़के ने लिया दो यार, उसको तंग नहीं करो, वो यार उर्वशी का फोन एक बैठ के बड़ा हुआ है, एक बीमार हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है ना, गोल्ड प्लेटेड है, 24 कैरेट का, 24 कैरेट का फोन उसका चुरा लिया तुमने, देखो उसके पास तो आ जाएंगे, तुम वापिस करने चले गए ना, मुझे जमीन से मिला था, सिर्फ चलवा दो मीडिया पे, मैं अपने हाथ से दूंगा, मेरा नाम ले दियो कहना इफ्फी भाई ने कहा था वापिस कर दो, वो भी यही बोलेगी इफ्फी भाई सलाम अलैकुम, वो भी बोले बोला इफ्फी अंकल है
उन्होंने कहा था, ये बता देना इफ्फी अंकल है वो बुजुर्ग है हमारे, हमारा लड़का बेहोशी में नाम ले रहा है। नसीम ना फोन कर दे आपको यार, इफ्फी भाई क्या है यार, छोटे भाई का तो ख्याल करें यार। अरे हमारी इतला है कि गुलदस्ता और केक मिला है नसीम को। हाँ अब कहाँ मिला है, कौन से कोरियर से मिला है? नहीं नसीम हमारा बच्चा हीरो है यार माशाल्लाह, अल्लाह उसे जल्दी से एहतियात करे। हम वो नहीं कहते कि किसी को ब्रेडमैन बता दो, नसीम इज अ फैंटेस्टिक टैलेंट और डेफिनेटली ही विल बाउंस बैक इन द फ्यूचर। बुमराह वर्ल्ड टी20 में नहीं था तो नहीं था, अब आ गया तो बुमराह बुमराह ही हो गया ना हर तरफ। बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप भी होगा, जब वापस आएगा वो पूरा माहौल अपना बना लेगा। तुम क्या बता रहे थे, बॉल से बातें करता है बुमराह? हाँ पांड्या जो कल हरकतें कर रहे थे सबसे मिल रहे थे, वो अंदर गए, चंचल हुआ हुआ था क्योंकि अहमदाबाद उसी का है ना, वो अंदर गया कहने लगा भाई मुझसे लोग कह रहे थे जसप्रीत भाई क्या बता रहे थे उन्होंने कैसी बॉल की, मैंने कहा जसप्रीत भाई ना हमसे बात करते हैं, वही कहते कहते सिराज मिल गया, उसने सिराज को चिमटाया, उसने कहा जसप्रीत भाई का बता, जसप्रीत भाई हमसे बात करते हैं, तो सिराज कह रहा है नहीं नहीं वो हमसे बात नहीं करते, कह रहा है हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, वो हम में से किसी से बात ही नहीं करते, सिर्फ बॉल से बात करते हैं कि अब तू इधर जाएगी अब तू इधर जाएगी, और फिर वो करके दिखाते हैं। फिर पांड्या हंसा कि हम समझ रहे थे अब बॉल क्या करेगी, ये बॉल कर रहे हैं पुरानी हो गई, उन्होंने तब बता दिया कि मैंने बॉल से कहा अंदर आ, मैंने बॉल से कहा बाहर निकल। ये होती है बात कि आपको लोग इस तरह से डिस्क्राइब करें कि आप अपने बल्ले और बैट से और बॉल से बातें करते हो। बबूमा भी अपने बैट से बात करता है। हाँ बबूमा अपने बैट से और एक और चीज से, दो जगहों से बात करता है, बैट से बात नहीं बैट से बात करता है, बैट से नहीं नहीं बैट और उसमें इतना ही चाहिए, बैट से बात करता है बबूमा, बैट या बैक निकलो तुम्हारी ऐसी की तहती, बबूमा को पीछे से कोई भी नहीं देखेगा। अच्छा रवानी बाबू एक मसला देख रहा हूँ, ये तो तुम हो, तुम्हारी खार में तो अपनी जगह, मैं अभी भी नहीं चाहता कि इंग्लैंड का बहुत बुरा हो, अच्छी टीमों को आगे आना चाहिए जिसमें कुछ एक्स फैक्टर्स हैं, बट यार तुम्हें डरने वाली बात बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका बहुत खतरनाक है। असद भाई यार आपने मुझे अब ये रात भर देखूंगा बैठ के, मैं वही वाली तस्वीर भेज, उर्वशी की तस्वीर भेज दी यार। असद भाई आप भी स्वीडन में बैठ के उर्वशी देख रहे हैं यार, कहाँ पे चेक करें वो पतंग की कहाँ पे होती है ना, भेजे इन्होंने वहाँ की पहली दफा में तस्वीर 7 बार दे 7 मिनट देखी थी, उर्वशी लुप्पा का इसका ठड्डा जो है ना थोड़ा सर पे रख के और फिर पतंग घूमने वाली उर्वशी बना देंगे, यकीन करें इतना अल्लाह ने, घर वालों के अलावा इतना मैं किसी को नहीं देख सकता भाई सिवाय एक के, मेरा एक को देखता हूँ मैं 27 28 28 सुबह सुबह देखता हूँ रोज फजर में, अगर बबूमा आधे घंटे कम से कम ये गोद ले लेगी, मैं एक तस्वीर देखता हूँ ये गोद लेके चली जाएगी बबूमा को, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ये इसको समझ में आ गया कि उसके अलावा मैं दुनिया की किसी तीसरी को नहीं देख सकता। अब उर्वशी ने सोच लिया कि साइज वो वाला पकड़ो भाई जो हाथों में लेके भाग जाए आदमी, पंत हाथ में ना आया नसीम हाथ में ना आया, चेक तो करे यार आप, मतलब यार कमाल है, ये देखे असद भाई ने भेजी है भी। आपने असद भाई पर टोपी डाल दी और 5 मिनट देख भी ली, ये कमाल है इनका, फिर 5 मिनट देख ली इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। चले क्या हो गया अभी तुम लोग क्या करना है अब, क्या कल इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका भी है, गले को भी रेस्ट दे, ठीक है ना हो गया ना, जीत गए प्रेडिक्शन भी हो गए, मेहरबानी अल्लाह पाक का, अल्लाह का करम, नेदरलैंड से मारेगा ना, यार एक बात की माजरत भी कर जाऊं, कभी कभी क्या मुझे रोज होता है, हम लोग बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं यार, कुछ लोग नए आते होंगे मे भी यार, आप लोगों को कभी कभी हमें लगता है कि गैर जरूरी भी हमारी आवाज़, देखो हमारा पैशन है हम बोलेंगे तो जल्दी थोड़ा जोर से भी बोलेंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम ज़्यादा आउट हो रहे हैं, वो नेचुरल हो जाता है यार, उसके लिए माजरत सबसे, किसी की दिल आजारी करना कभी मतलब नहीं होता, कहीं से भी है कोई क्रिकेट लवर, दुनिया की सब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जितने भी प्लेयर्स हैं सब अच्छे हैं भाई, मेहनत ही करते हैं जब भी अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं, लाने पर सिस्टम से टीम में लाने पर सवालिया निशान हो सकता है, लेकिन प्लेयर ठीक ही होते हैं बुरे नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि बहुत ही एवरेज बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन मसला है कि जब आप किसी को ये बता दो कि तुम अच्छे हो और वो अच्छा ना हो तो फिर वो ख़राब ही होता जाता है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप सब सीख रहे हैं। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलूं जो कभी कंटेंट बना नहीं और मैंने बताया नहीं, विराट कोहली ने भी 2 साल में बहुत कुछ नया किया है, जब आउट ऑफ फॉर्म हुए और वापस फॉर्म में आए कुछ शॉट्स नए भी मार रहे हैं वो, ये किसी और दिन इंडिया के मैच में बताऊंगा जिसमें वो वाले शॉट मारेंगे कि वो ये शॉट पहले एग्जीक्यूट नहीं करते थे, जैसे कि स्वीप, विराट स्वीप नहीं मारते थे ज़्यादा, अब वो कभी कभी स्पिनर को स्वीप मारते हैं और बड़ा सक्सेसफुल, डेफिनेटली आपको पता है विराट कोहली के हवाले से कि विराट कोहली नेट में 2-4 घंटे उस शॉट की प्रैक्टिस किए बगैर एग्जीक्यूट ही नहीं करते,
आगे और कुछ बहुत कुछ और भी है, वो किसी सीक्वेंस में बताएंगे जब वो विराट और अनुष्का में जो इशारेबाजी हो रही है मुझे तो वो याद आ गया। अनुष्का आई मीन थी, रोहित शर्मा की वाइफ आई मीन थी, बड़ा मूवमेंट था भाई ड्यूरिंग आईपीएल जब अनुष्का आती थी मैच के दौरान जब शादी। अबे मोबाइल चुराने वाले मोबाइल दे देगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा बेवकूफ। अबे वो भाई मीडिया को पकड़ बोलो मैं उर्वशी मैडम के हाथ में दूंगा, तुम लोगों के यहाँ शायद मैडम ही बोलते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसकी इज्जत नहीं करो, सेलिब्रिटी है, बोलना मैं मोहतरमा उर्वशी के हाथ में ही दूंगा, आप लोग उन तक मैसेज पहुंचाएं, मैं कहीं देने वो आ जाएंगी लेने। अगर वो खुद आई और वो मूवमेंट मीडिया पे आ गया तुम बड़े आदमी बन जाओगे भाई। ये कह देना कि भाई 24 कैरेट का मोबाइल दे दो उनको वापस, इफ्फी भाई ने गिरा ही होगा तो किसी ने लिया, अच्छा चुराया किसी ने नहीं होगा, गिरा विरा होगा किसी ने ले लिया होगा। इफ्फी भाई ने नसीहत की थी कि दे देना मेरा फोन और आपका नाम भी ले देना, इफ्फी भाई ने कहा था चलो कर देना यार कर देना, और कह रहा बहुमा आपका हुआ है, बहुमा आपका कह देना, क्या है इसमें तो कुछ नहीं कह देना, इफ्फी भाई ने कहा, इफ्फी भाई का ही कहना भाई। और वो अब मलाइटी और मैंने उसका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैंने ठीक है कौन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो मोहतरमा, बहुमा को पीछे से देख लेते हैं ये उर्वशी पसंद नहीं, मैं नहीं देखता ना, मैं बनता मैं बता देता हूँ बहुत से फ्लॉज होंगे, मैं कभी भी शक्ल के अलावा मेरी नजर नहीं जाती किसी और चीज पे, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। अब वासे क्या बात इससे नहीं है ना, ये वाला जरासीम नहीं हुआ वरना तो आज पता नहीं फिर सभी आपको मेरा आपको बता रहा हूँ मैं बच बच के निकलता हूँ भाई। मैं ये कहता हूँ कि जब आप बचा के रखा है मैंने गलत बातों, मेरा हमेशा ये हालात आप मैंने कमरे में बैठ के भी समझा के भेज दिया है, हालात अगर आपके कंट्रोल नहीं है मुझे डरता हूँ भाई, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, बस नहीं है ये वाली चीज, कोशिश मेरी भी होती किसी को नजर